Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे. सो गाइज, आज फिर मैं आपके साथ एक मेकअप लुक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है. तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना बातें किए, तो चलते हैं अपने काम की तरफ. सबसे पहले जी, यहाँ पे मैंने ग्रीन शेड लिया है, इसको दोनों तरफ इस तरह से लगा लिया है. और जो है ना, यहाँ पे मैं फ्लैग ब्रश यूज़ कर रही हूँ. और जी, यहाँ पे डार्क ग्रीन लगाया था, उसके बाद लाइटर ग्रीन लेके मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी. मेरा ये मेकअप आपको सिखाने का मकसद ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके मेकअप उतना अच्छा होता जाएगा. अमूमन इस तरह का जो है ना, मेकअप किया नहीं जाता है, मेन प्रैक्टिस में ही किया जाता है. और यह जो क्रिएटिव लुक करते हैं वो लोग इस टाइप का मेकअप करते हैं. हम देसी लोग इस तरह का मेकअप नहीं करते हैं, सिंपल सा पसंद करते हैं. वो भी मेरे चैनल पर बहुत सारे मैंने शेयर किया, वहाँ जाके सीख सकते हो. ये मैंने इसलिए सिखाया था क्योंकि जितनी आप ना क्रिएटिव लुक करोगे ना, आपकी मेकअप में उतनी सफाई आएगी. जितना टाइम लेके आप मेकअप करोगे ना, उतना अच्छा ब्रश चलाना आएगा, उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतना अच्छा ही आपके मेकअप में सफाई आएगी. ठीक है, बाकी जी, यहाँ पे इनर कॉर्नर पे लाइनर लगा लिया था, आउटर कॉर्नर पे लाइनर लगा लिया था. फेक लैशेज यहाँ पे मैंने ना ब्रश के साथ ही इस तरह से लगा ली थी. आपने एक एक स्टेप देखना है वीडियो में, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि मैं फेक लैशेज किस तरह से लगाती हूँ, लाइनर किस तरह से लगाती हूँ. ठीक है, मेरी बातों पर बेशक थोड़ा बहुत ध्यान देना, लेकिन ज़्यादा मेकअप पर देखना कि मैं कौन सा ब्रश किस तरह और कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ और किस तरह से कर रही हूँ. ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने बीड्स लगा दिए थे, थोड़ा ब्लश लगा दूँगी, थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दूँगी, ताकि ना एक मेकअप में ना जान आ जाए. हम भी जब अपना फेस मेकअप फुल करते हैं तब भी जान आती है, उससे पहले तो कोई अगर बेस वेस लगाते तो भूत लगता बंदा. तो जब तक फुल मेकअप ना हो ना, तो मेकअप में जान नहीं आती है. तो जी, इस तरह से ना काफ़ी लोग कहते हैं कि डमी पे मेकअप करना है बहुत इजी है, अपनी आंख पे करो प्रैक्टिस, अपनी आंख पे अच्छी होती है. तो मेरी जान, डमी भी एक आर्टिफिशियल है प्लास्टिक की, और हमारी स्किन जो होती है ना नेचुरल, उसके ऊपर ब्लेंडिंग करना बहुत आसान है, जितनी डमी पे मुश्किल होती है. डमी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बस ब्रश रखा वो खुद ही घूमा और ब्लेंड हो गया. इस पर भी मेहनत करनी पड़ती. कभी आप खुद ही इस पर मेहनत करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत होती इसके ऊपर और एक अपनी आँख के पर कितनी होती है. तो बातें करने से कुछ नहीं होता, बातों करने से तो बहुत बातें कर करके अमीर हो जाते हैं, तो होते नहीं है. तो इस तरह से मेकअप करना कर करके ही, प्रैक्टिस करके ही एक्सपर्ट बनते हैं, बातों से कोई भी नहीं बनता है. तो खैर, दफ़ा करो ऐसे लोगों को जिनको शौक है मेकअप करने का, जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया. और ऐसे ही मुझे प्यार दिखाते रहिएगा, मेरे मेकअप को इस तरह ही पसंद करती रहिएगा, और ऐसे ही दिल लगा के आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा. तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी बहुत अच्छा मेकअप करोगे. तो यहाँ पे मेरा फाइनल लुक ये था. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे जल्दी से कर लें सब्सक्राइब. और जो ग्लिटर यूज़ किया था ना, वो मैं बताना भूल गई थी, स्लिस ब्यूटी का मैंने यूज़ किया था. अगर आपको ये बाय करने, तो मुझे कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, जन्नत मोहम्मद मेरा वहाँ पे आईडी है. तो कुछ भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगी. तो जी, ये था मेरा फाइनल लुक, आप मुझे दीजिएगा इजाज़त.